के बलिदान की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेइंतहा है। जैसा कि होना ही था, शेर अली को फांसी दे दी गई। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की जेल में कदम रखा। क्या शानदार लोग थे वे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रही हूँ। स्वाधीनता की लौ को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा था वो था जेलर डेविड बेल। समीदार, नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन में खड़े हैं। ठीक है, इस जगह पर हम शेर को मजदूर बनाता है जो गेट की दीवार को देखता है। ये दीवार इतने नीचे क्यों है पता है? क्योंकि इधर से कोई भागने को नहीं सकता। इधर से 1000 माइल्स दूर तक बस पानी ही पानी है और ऊपर खुदा है और तुम सबका खुदा हम है। ये कैसा खाना है? चावल में कंकड़, सब्जी में रेत और दाल में तो कीड़े पड़े हैं। हमें यहाँ इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। सच कहते हो, हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए तो गंवा देंगे, पर इन अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे। अरे ये अंग्रेज सोचते हैं कि हमें ही मारकर हमारे देश पर राज करेंगे, हमें अपना गुलाम समझते हैं।
हम झुकने वाले नहीं है। देने दो जितनी यातनाएं देते हैं, मारने दो, हम आजादी लेकर ही रहेंगे। ये हमारी धरती माँ है और इसके लिए अगर खुद को कुर्बान भी करना पड़े तो गर्व से कर देंगे। एक बार, बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए तो इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा लेंगे। इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए थे जिन्हें यह माहौल जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वीर सावरकर, तुमको उम्र कैद का सजा मिला है 50 वर्ष का। सरकार चाहे तो तुमको छोड़ देगा, बस तुम माफी मांग लो और ये बगावत छोड़ दो। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार यहाँ 50 बरस तक रह पाओगे? करो बगावत, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम अपनी आजादी लेकर ही रहेंगे। तुम जितनी यातनाएं दे सकते हो दो, हम टूटने वाले नहीं। हम बरतले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। चल जल्दी जल्दी काम कर। मैं काम नहीं करूंगा। नहीं करेगा? अरे हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव यह जमींदार करता है उससे मैं काम नहीं करूंगा। जबाने आता है, इसको बिजली के झटके दो। जमींदार जी सरकार, जो आदमी काम ना करे उसे सजा दो, कोई छूट नहीं। इनको टाट का वर्दी पहनाओ और रास्ते इनका खाना बंद। जी सरकार, जैसा आपका हुक्म। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके देने का हुक्म दिया। फिर जाकर कहीं डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो उल्हासकर, हम जानता है कि तुम अपनी आजादी के वास्ते ऐसा करता है। हम अपने बड़े अफसरों की बात नहीं टाल सकता, पर तुमको पागल खाने में भर्ती करा देगा। इन जानवरों के साथ रहने से अच्छा मैं उन पागलों के बीच रह लूं। ओके उल्हासकर, टेक केयर। उल्हासकर की तकलीफ का डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके जाने के बाद बेरी ने सावरकर को चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों सावरकर, तुम भी पागल बनकर नाटक करेगा? तुम्हारे बाद। अच्छा मिस्टर बेरी, अगर तुम्हें लगता है कि उल्हासकर पागलपन में नाटक कर रहा है तो तुम पहले ही पागल हो चुके हो। सावरकर, ये बात तुम भी जानते हो कि उल्हासकर पागल नहीं है, वह नाटक करता है। ये अत्याचार बंद करो, नहीं तो हमारे पास स्ट्राइक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्ट्राइक करेगा, करो स्ट्राइक। झूठ नहीं, यार नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 12 मई सन 1933 को कैदियों ने भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल के 5वें दिन कैदियों को जबरन खुराक दी गई, जिसमें भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह ने जमकर विरोध किया। ए, चल दूध पी। मैं नहीं पीऊंगा। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो पकड़ो इसका मुंह। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़।
जब लोगों को पता चला कि महावीर सिंह की मृत्यु हो गई है तो देश भर में विद्रोह की भीषण लहर फैल गई। 36 दिन के संघर्ष के बाद बंदियों की जीत हुई। सितंबर 1933 से कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। 1938 में पहला दल रवाना हुआ और कुछ साल बाद सेलिनर जेल राजबंदियों से खाली हो गई। भारत सरकार ने 20 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलिनर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो खोल दो, लहरा दो लहरा दो, सरकशी में हम ही हैं